हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मालवीय एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप सभी सीएससी वीएलईस के लिए एक बहुत ही बड़ी सर्विस है जो कि सीएससी में चलाई जा रही है, जिसमें कि अगर आप काम करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 3250 रुपये का हर महीने कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब 3250 रुपये आपको जो है हर महीने सीएससी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस सर्विस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ कि किस तरह से आपको यहां पर जो है लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है, किन लोगों का आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, और जो 3250 रुपए आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा हर महीने, वो आपको जो है पेमेंट किस तरह से दिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, सभी स्टेट में इस सर्विस को लाइव कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप जो है 3250 रुपए की अर्निंग हर महीने कर सकते हैं। तो चलिए, डिटेल से इंफॉर्मेशन को जानने के लिए मैं लेके चलता हूं आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस और सर्विस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीएससी की जिस सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको जो अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको जो है सर्विसेज वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप सर्विसेज वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने काफी सारी सर्विसेज आ जाएगी। आपको जो है सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है लॉ, ठीक है ना, LAW, ठीक है ना। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पर टेली लॉ की सर्विस आ जाएगी। आपको क्लिक हियर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है साइन अप का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, लॉगिन एंड साइन अप का। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले रोल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जैसे आप सिलेक्ट रोल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पर वीएलई को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ये जो रोबोटिक कैप्चा दिखाई दे रहा है, इसको एक्सेप्ट करना है, टिक मार्क करेंगे। उसके बाद अब जो है कनेक्ट सीएससी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो वीएलई डैशबोर्ड है कुछ इस तरह का खुलकर ओपन हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप जो है किसी का भी केस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनको कि न्याय की आवश्यकता है, ठीक है ना। ऐसे जितने भी आसपास के लोग हैं आपके जो कि वकील के द्वारा पैसे देकर सलाह नहीं ले सकते, उन सभी का आप यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो सरकारी वकील है उनको फ्री में एडवाइस प्रोवाइड करेगा, जो भी उनका केस है उससे रिलेटेड। यहाँ पर वीएलई का काम केवल ये होता है कि वो कस्टमर के केस रजिस्ट्रेशन करे, और प्रति रजिस्ट्रेशन वीएलई को यहाँ पर जो है 30 का कमीशन जो है सीएससी की तरफ से यहां पर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपका काम होता है केस को रजिस्टर्ड करना, बाकी आपका कोई भी काम नहीं है। जो भी बेनिफिशियरी है, मतलब जो भी कस्टमर है, उनका आप यहां पर मोबाइल नंबर जो भी प्रोवाइड करेंगे, वकील डायरेक्टली उस मोबाइल पर बात कर लेगा, ठीक है ना। तो आपको यहां पर कोई भी झमेला लेने की आवश्यकता नहीं है। आप केस रजिस्टर्ड कीजिए और भूल जाइए। अब केस किस तरह से रजिस्टर्ड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी लिस्ट का एक ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी लिस्ट और एक ऐड बेनिफिशियरी, अगर आपने पहले से बेनिफिशियरी को ऐड करके रखा है तो आप जो है उसको यहाँ पर बेनिफिशियरी लिस्ट वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एक बेनिफिशियरी का आप जो है महीने में 2 बार केस यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप जो है नए बेनिफिशियरी को ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड बेनिफिशियरी वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप ऐड बेनिफिशियरी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम डाल देना होगा, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना होगा, एंड जनरेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो आपका जो बेनिफिशियरी है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बेनिफिशियरी लिस्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जितने भी सारे बेनिफिशियरी आपने ऐड करके रखे हैं उनकी सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है ना, विद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दिख जाता है। यहाँ पर आप जो है उनका व्यू केस भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप जो है प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, ऐड केस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपको जो है इस बंदे का ऐड केस करना है तो आपको ऐड केस वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आएगा। यहाँ पर जो है चीजें मांगी जाएगी कस्टमर की, ठीक है ना, जो कि उनके डॉक्यूमेंट है, जो भी रिलेटेड केस से रिलेटेड उनके पास है वो सारी चीज यहाँ पर होनी चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छा है। आप सिंपली ऐड केस वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो है इस तरह का एक फॉर्म खुलकर ओपन हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए केस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए केस जो है एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड है तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी केस का टाइप है वो कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सब कैटेगरी में यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट करेंगे तो जैसे यहाँ पर आप फिल करेंगे प्रॉपर्टी इशू है तो क्या इशू है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कस्टमर का, डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, कॉल टाइप में यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आप जो है ऑडियो कॉल करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करवाना चाहते हैं, मतलब कस्टमर को ऑडियो कॉल पे बात करनी है, वीडियो कॉल पे बात करनी है, जो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप लिख देंगे केस के अकॉर्डिंग जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्लॉट सिलेक्ट कर लेना है कि कस्टमर कब जो है वकील से बात कर सकता है, और यहाँ पर आपको फाइलें अटैच कर देनी है, टर्म को एग्री करना है, इस वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, एंड यहाँ पर आपको केस को सेव कर देना है। जैसे
ही आप केस को यहाँ से सेव करते हैं तो आपका केस सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाता है। आपका काम यहाँ पर केवल केस रजिस्ट्रेशन करने का होता है, तो आप इस तरह से केस रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। अब जो भी बेनिफिशियरी है जिसका मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, वकील का डायरेक्टली कॉल उनके मोबाइल पर जाएगा। अगर उनके आपने यहाँ पर वीडियो कॉल सेलेक्ट किया था तो वो वीडियो कॉल पर बात करके जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आपका पैसा यहाँ पर बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है सीएससी के माध्यम से चलाई जाने वाली टेली लॉ सर्विसेज में जो है कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका काम यहाँ पर केवल रजिस्ट्रेशन करना होता है, बाकी जो वकील होता है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी से बात करता है। आपको जो है इसमें कोई इंटेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप जो है एक सीएससी वीएलई हैं तो आप जो है अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से टेली लॉ में काम करके 3250 रुपए हर महीने इनकम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।